हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द पेन किलर्स। पेन किलर्स मतलब कि ऐसे मेडिसिन के जिसको हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द पेन सेंसेशंस। कि जब किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का अलग अलग जब पेन होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर उसके सेंसेशंस को कम करने के लिए हम पेन किलर्स वगैरह को यूज़ करते हैं। तो पेन किलर्स को मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है एनाल्जेसिक। मेडिकल टर्म्स के अंदर जो पेन किलर मेडिसिन्स होती है उनको कहा जाता है एनाल्जेसिक, और स्पेशली वो यूज़ होते हैं टू ट्रीट द पेन सेंसेशन। तो पेन किलर्स की जो मेडिसिन्स है उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के डोजेस फॉर्म जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो टैबलेट या फिर कैप्सूल के भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, टैबलेट कैप्सूल। फिर उसके अब लेटेस्ट वर्जन के अंदर जो एरोजॉल हम कहते हैं, एरोजॉल स्प्रे उसके अवेलेबल है, प्लस जेल तो फेमस ही है, एज वेल एज ऑइंटमेंट वगैरह भी उसके अवेलेबल होते। तो जेल, ऑइंटमेंट, इवन कुछ जो एनाल्जेसिक्स है वो इंजेक्शन की जो पेरेंट्रली भी पेशेंट को दिए जाते हैं। तो ये था पेरेंट्रल्स कि जिसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज, फर्दर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर अवेलेबल है फार्मारॉक्स की ऐपों पर। तो अगर आप एंड्रॉयड ऐप यूज़र है तो उसको गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करिए, एंड अगर आप एप्पल आईफोन यूज़र है तो उसको ऐप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाल्जेसिक कि जिसको हम कहते हैं पेन किलर्स। तो एन एनाल्जेसिक और पेन किलर इज एन एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ द ड्रग यूज टू अचीव एनाल्जेसिया, it means relief from the pain. तो what is the meaning of the word analgesia? ये word जो है वो use होता है analgesia, it means relief from pain। और analgesia पर से ये medicines का जो नाम पड़ता है वो है analgesic। So this is the one of the important pain point for you कि बहुत सारे students को पता नहीं होता कि व्हाट इज़ द एनाल्जेसिक। पेन किलर सबको पता होता है कि समझो कि पेन किलर करके पूछा है क्वेश्चन तो इजीली वो आंसर दे देंगे, बट एनाल्जेसिक वर्ड जो है वो बहुत कम पता होता है या फिर एनाल्जेसिक का प्रॉपर मीनिंग जो है उनको नहीं पता होता। तो एनाल्जेसिक मतलब कि ऐसे मेडिसिन्स की जो यूज़ करते हैं हम टू अचीव एनाल्जेसिया। और एनाल्जेसिया जो वर्ड है उसका मतलब होता है रिलीफ फ्रॉम द पेन। अब जो पेन है वो बहुत ही अलग अलग टाइप्स के पेन होते हैं कि लाइक कि हमें स्टमक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है कि वो भी एक टाइप का पेन है, मसल्स के अंदर कोई पेन हो रहा है। तो नंबर ऑफ पेन्स की इवन एब्डोमिनल पेन होता है, पीरियड्स के दौरान पेन होता है, इवन कोई इंजरी हुई है तो उसके कारण भी हमें पेन होता है। तो बहुत सारे अलग अलग पेन सेंसेशन जो है वो हमारे बॉडी को होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे नर्वस सिस्टम के कारण। तो जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसके जो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स जो होती है उसमें जो सेंसरी न्यूरॉन है वो हमें पेन के सेंसेशन देती है। कि समझो कि आप कोई हॉट सरफेस पे टच कर लेते हो और उसके कारण आपको जो कोई पेन होता है तो तुरंत आप वहाँ से अपना हाथ ले लेते हैं, बट उसके बाद भी आपके बॉडी के अंदर जो इंजरी हुई है उसके कारण जो पेन होता है वो सेंसेशन हमारे ब्रेन को पता चलता है। और जो पेन के जो हमें सेंसेशन होते हैं ड्यू टू द ब्रेन की जो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन की ओर जाती है और वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं अलग अलग न्यूरॉन, अलग अलग न्यूरॉन्स कि जिसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। कि ह्यूमन एनाटॉमी जब आपने पढ़ी होगी और उसके अंदर जब नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर डिटेल में स्टडी किया होगा तो वहाँ पे एक आता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती है वो हमारे अलग अलग सेंसेस को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट है वहाँ तक पहुँचाती है और उसके कारण हमें पता चलता है अलग अलग सेंसेशंस का। और उसमें एक सेंसेशन है वो है पेन सेंसेशन कि जब हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या फिर हमारी नर्वस सिस्टम को पता चलता है तो ही हमें पेन का एहसास होता है, सेंसेशन होता है। वरना समझो कि कोई पर्सन्स की नर्वस सिस्टम प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करती तो उसमें इवन उसको पेन होता हो तो भी पता नहीं चलता बिकॉज कि उसका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता। तो कुछ पेन किलर्स मेडिसिन ऐसी है कि जो डायरेक्टली हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको जो है वो टारगेट करके पेन सेंसेशंस का जो है वो रिड्यूस करती है। कि एनाल्जेसिक ऐसी ड्रग्स है कि एक्ट इन वेरियस वे ऑन पेरिफेरल एयरवेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट पड़ते हैं, एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा पार्ट पड़ता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाली ऑल पेरिफेरल जो नर्व है पेरिफेरल नर्व्स इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो जो भी हमारी ये एनाल्जेसिक ड्रग्स है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलग अलग तरीके से। तो उसके कारण जो भी पर्सन है उसको पेन सेंसेशन जो है वो रिड्यूस होती है जिसके कारण ये मेडिसिन को हम कहते हैं कि पेन रिलीफ, पेन में से हमें देती है रिलीफ कि पेन रिलीफ करती है, पेन को रिड्यूस करती है, पेन को किल करती है जिसके कारण उसको पेन रिलीवर्स भी कहा जाता है, पेन रिलीफ कहा जाता है, पेन रिड्यूसर्स कहा जाता है, पेन किलर्स एंड जो उसका साइंटिफिक वर्ड है मेडिकल टर्म्स के अंदर वो है एनाल्जेसिक। और टू अचीव द एनाल्जेसिया रिलीफ फ्रॉम द पेन वी यूज दिस टाइप ऑफ मेडिकेशंस कॉल ए पेन किलर्स। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनास्थेटिक्स विच टेम्परली अफेक्ट and in some instances completely eliminate the sensation। अब एनास्थेटिक्स वो अलग बात है और पेन किलर्स दोनों अलग बात है बिकॉज एनास्थेटिक्स जो है वो यूजली सर्जरी के दौरान यूज़ करते हैं हम कि वो क्या करते हैं वो इफ़ेक्ट होती है टेम्पररी इफ़ेक्ट। एनाल्जेसिक्स जो है वो टेम्पररी नहीं होते, उनकी इफ़ेक्ट की जो आप प्रॉपर कोई टाइम ड्यूरेशंस के लिए या फिर समझो कि एक टैबलेट ली है तो आपको 24 आवर्स तक उसके में से आपको प्रॉपर सेंसेशन पेन जो है वो कम हो रहा है। तो एनास्थेटिक्स जिससे हम सर्जरी के दौरान देते हैं कि वो पेशेंट को कम्प्लीटली अनकॉन्शियस कर देता है कि जिससे उसको पता नहीं चलता या फिर उसको पार्शियली हम अनकॉन्शियस करते कि उसका कुछ पोर्शन जो है वो कम्प्लीटली इफेक्टनेस हो जाता है कि उसको कुछ भी पता नहीं चलता वो पार्ट पे। तो वो एक अलग बात है, एनास्थेटिक्स एंड पेन किलर्स एक अलग चीज़ है। तो दोनों के बीच में बहुत सारा अलग अलग डिफरेंस है। तो हाउ द पेन किलर्स आर वर्क, अभी जो मैंने समझा है कि डिफरेंट पेन किलर्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं, डिफरेंट पेन किलर्स वर्क्स इन ए डिफरेंट वे एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज आइबुप्रोफेन then the aspirin work by changing the way of your body respond to pain and swelling। कि जब हमारे बॉडी को कोई पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है और उसके कारण हमें पेन के सेंसेशन होते हैं तो उसको रिड्यूस करने का जो काम करती है वो है ये पेन किलर्स और उनके अलग अलग मेकेनिज़म ऑफ एक्शंस होते हैं। तो मेनली जो पेन किलर्स की जो हम मेकेनिज़म्स देखें तो क्या करती है ब्लॉकिंग द पेन मैसेंजर्स और ब्लॉकिंग द पेन मैसेजेस इन आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कि पेन की जो इन्फॉर्मेशन ले जाने वाली जो न्यूरॉन्स होती है या फिर नर्व्स होती है उसको टेम्पररी जो है वो ब्लॉक किया जाता है, जिसके कारण वो मैसेज जो है वो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड की ओर नहीं पहुंचते। अगर समझे कि यहाँ पे मुझे थंब इंजरी हुई है और थंब इंजरी के कारण जो मुझे पेन हो रहा है उसकी जो सेंसेशन ये वाली जो पेरिफेरल नर्व से कि जो ग्रीन कलर से दिखाया है वो नर्व यहाँ से इस तरह से जाके स्पाइनल कॉर्ड की ओर जा रही है। तो वो हो गया सेंट्रल नर्वस, वहाँ से आगे वो ब्रेन में जाएगी और फिर वहाँ पे उस हमें पता चलेगा कि थंब की जगह पे पेन हो रहा है और उससे हमें कंटिन्यूसली हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर हमें पता चलता रहेगा कि मुझे हो रहा है पेन। तो यहाँ पे जो पेन है उसका मुझे चल रहा है सेंसेशन ड्यू टू दिस नर्वस सिस्टम। अब पेन किलर्स ऐसे मेडिसिन से कि समझो कि पेन का जो मैसेज लेने वाली जो न्यूरॉन्स है उसको समझो कि यहाँ में किसी सेंटर पॉइंट पे हम करते हैं ब्लॉक। तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है बट वो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुँचती। तो उसके कारण क्या होगा, भले यहाँ पे पेन हो रहा है बट आपके जो माइंड है या फिर आपका जो ब्रेन है उसको वो पता नहीं चलेगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपको जो है वो सेंसेशन नहीं होगी, जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि आपका दर्द जो है वो कम हो गया है और सामने जो स्वेलिंग हुई है, इन्फ्लेमेशन है, वो हीलिंग की प्रोसेस तो चालू ही रहेगी, हीलिंग तो चालू रहता है और समय चलते वो हीलिंग के बाद आपका जो पेन होने का जो रीज़न था वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। बट जो आपको उसके कारण जो संवेदनाएं होती है, जो आप पेन आपको होता है, जो दर्द होता है, उसका एहसास जो है वो हम कुछ टाइम के लिए आपके लिए कम कर सकते हैं। तो जिसके कारण जो है आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, आपकी जो रूटीन काम है वो भी कर सकते हैं, बिकॉज कि हमारी बॉडी का जो हीलिंग सिस्टम है वो तो काम करता ही रहेगा आपके पेन एंड स्वेलिंग के सामने, बट उसका जो सेंसेशन है वो आपको होना बंद हो जाएगा। मतलब कि एक साइड आपका बॉडी का रिपेयरिंग भी चालू रहेगा एंड साथ में आप आपका वर्क भी अच्छे से करते रहेंगे। तो इसीलिए पेन किलर्स जो है वो लिए जाते हैं और उसका कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे भी। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट के पेन किलर्स। तो एनाल्जेसिक आर ए मेडिसिन्स दैट आर यूज टू रिलीव द पेन। दे आर ऑल्सो नोन एज द पेन किलर्स और द पेन रिलीवर्स। कि जो मैंने आगे भी कहा आपको कि ये मेडिसिन्स को हम पेन किलर्स भी कहते हैं, पेन रिलीवर्स भी कहा जाता है एंड दे ऑल्सो कॉल ए एनाल्जेसिक। दे ऑल्सो कॉल ए एनाल्जेसिक। दे रिलीव अवर पेन। टेक्निकली द टर्म एनाल्जेसिक refers to a medication that provides relief from pain without putting you to sleep or making you lose consciousness। तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एनास्थेटिक्स एंड एनाल्जेसिक के बीच में। तो आपने देखा होगा कि जब किसी पर्सन्स को एनास्थेटिक्स दिए जाते हैं तो वो क्या करता है, दे will lose the consciousness, but यहाँ पे without analgesic में आपको आप कॉन्शियस रहते हैं और आपके पेन सेंसेशन कम होते हैं। जबकि सर्जरी के दौरान जो हम एनेस्थेटिक्स देते हैं उसके अंदर पेशेंट को कम्प्लीटली अनकॉन्शियस किया जाता है। जो भी पेशेंट है वो कम्प्लीटली अपना लॉस करता है कॉन्शियसनेस, जबकि यहाँ पे विदाउट लूजिंग द कॉन्शियसनेस यू कैन डू योर वर्क। मतलब कि आपको नींद भी नहीं आती और ना ही आप आपकी कॉन्शियसनेस को लॉस करते हैं। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है पेन किलर्स का। और आपने देखा होगा कि कई बार लोग पेन किलर्स लेके अपना रूटीन काम भी कर लेते हैं, बिकॉज कि आप तो एक प्रॉपर कॉन्शियस रहते हैं प्लस आपको नींद भी नहीं आती, तो स्लीप पे भी आपका ऐसा नहीं कि स्लीपीनेस भी नहीं होता ना ही, और आप प्रॉपर रहते हैं, कॉन्शियस, तो कॉन्शियसनेस भी आपके अंदर है प्रॉपर, एज वेल एज आपको नींद भी नहीं आती, तो अच्छे से आपके जो रूटीन काम है वो करते रहेंगे। तो स्पेशली पेन रिलीवर्स कि समझो कि आपको कोई स्टमक पेन हो रहा है और उसके कारण समझो कि आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई भी काम करते हैं आपका रूटीन का, आप स्टूडेंट्स लाइफ में है या फिर किसी भी तरह से आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इन्वॉल्व है, तो जब आपको कोई पेन सेंसेशंस तो है ही, बट वो जो है वो टेम्पररी होता है, समझो कि 2 या 3 दिन के लिए आपका वो हुआ है कोई इंजरी, उसके कारण पेन हो रहा है, तो उससे आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब ना हो, आपके रूटीन काम में जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए हम एनाल्जेसिक्स जो है वो पेशेंट को देते हैं कि जिससे उसका रूटीन लाइफस्टाइल भी चालू रहे और उसकी जो डिसीज़ है वो भी धीरे धीरे क्योर होती जाए। तो एनाल्जेसिक्स आर द पेन रिलीवर्स are the medications that reduce our or relieve the various pains like headache। तो headache में भी स्पेशली क्या involve है, pain, कि समझो कि headache हो रहा है patient को, तो headache के अंदर भी involve है one type of the pain, कि headache भी एक type का pain ही है। फिर sore muscles, कि समझो कि आपके कोई मसल्स समझो कि पेन हो रहा है, मसल पेन, तो उसमें भी दिया जाता है। इवन कुछ ऐसे कि आपको डेंटल पेन है तो उसमें भी ज़रूरी है। फिर समझो कि आर्थराइटिस है, तो अलग अलग जो जॉइंट होते हैं वो आपके पेन करेंगे, बॉडी के अलग अलग एचेस एंड पेन्स, बहुत सारे अलग अलग पेन जो है वो हमें हमारी बॉडी के अंदर, इवन कोई इंजरी होती है तो भी हमें पेन्स होते हैं, इवन पीरियड्स के दौरान भी पेन होते हैं, तो वो सभी पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। देयर आर मेरी डिफरेंट पेन मेडिसिन्स एंड ईच वन हैव एडवांटेज एंड रिस्क, सभी के एडवांटेज भी है और सामने उसके रिस्क भी है। रिस्क क्या है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ, बिकॉज कि सेल्फ मेडिकेशन तो हमेशा ही डेंजरस रहता है। प्रॉपर एडवाइस के साथ आपको कौन सी मेडिसिन सूट होती है वो प्रॉपर डायग्नोसिस करवाने के ही लेना काफ़ी समझदारी की बात है। तो उसके एडवांटेज क्या है ये मेडिसिन के, एज वेल उसके रिस्क कि जिसको हम कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, जिसको हम कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों को आपको पता होना चाहिए कि what are the advantages and what are the disadvantages, जिससे हम जो है वो ये medicines का यूज़ जो है वो लिमिट में करें, यूज़ इन लिमिट, कि जब ज़रूरत है तो ही लें, एक्सेसिव लेने का भी कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई फ़ायदा है। तो ऑलवेज यूज़ द मेडिकेशंस इन ए लिमिट, नॉट ओनली द पेन किलर्स, कोई भी मेडिकेशंस को हमेशा लिमिट में ही यूज़ करनी चाहिए कि जितनी आपकी बॉडी टॉलरेट कर सके एंड जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। तो सम टाइप ऑफ पेन रिस्पॉन्स बेटर टू सस्टेन देन द अदर, ईच पर्सन में ऑल्सो हैव ए स्लाइटली डिफरेंट रिस्पॉन्स टू पेन रिलीव्स। अब हमें पता है कि सभी पर्सन टू पर्सन कई बार मेडिसिन की इफेक्ट जो है वो प्लस माइनस रहती है, सेम लाइक दैट फॉर द पेन किलर्स, कि डिफरेंट रिस्पॉन्स कई बार मिलते हैं हमें पेन रिलीवर्स के इन अ डिफरेंट परसेंट। तो एनाल्जेसिक का सबसे पहले ज़रूरी है क्लासिफिकेशन सीखना। तो एनाल्जेसिक 2 तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, एक है माइल्ड एनाल्जेसिक और दूसरे है स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक ऐसे है कि जिनको हम ओपियोड एनाल्जेसिक कहते हैं, कि जो स्पेशली नार्कोटिक ड्रग्स है, वो स्पेशली कैसी है, नार्कोटिक्स है, या फिर उसको हम हैबिट फॉर्मिंग भी कह सकते हैं, कि जो स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक्स जो कहा जाता है वो है ये एनाल्जेसिक, कि जिनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक्स लाइक मॉर्फिन है, मेपेरिडिन है, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओपियम का एग्जाम्पल दिया है, ऑल्सो द हेरोइन एंड द कोडीन। तो कोडीन, हेरोइन, ओपियम, मॉर्फिन वगैरह जो ऐसे भी कि जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है और वो नार्कोटिक्स ड्रग, इसलिए आपको प्रॉपर नार्कोटिक्स ड्रग्स का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लगता है और बहुत ही स्पेशल केसेस के अंदर ही ये नार्कोटिक मेडिसिन्स के प्रिस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं कि जब ऐसे कोई स्पेशल केसेस के अंदर जब नॉर्मल एनाल्जेसिक काम नहीं कर रहे हैं तो ही ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, वरना जो हमारे माइल्ड एनाल्जेसिक्स ड्रग्स हैं और उसमें भी एसेटामिनोफेन की जिसको हम पैरासीटामोल कहते हैं, एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन, ये तीनों से जो है वो यूजुअली काम चल जाता है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती। तो जो पेरिफेरली एक्टिंग है एनाल्जेसिक्स कि जो है सैलिसाइलेट्स कि वो काफ़ी माइल्ड है, लाइक एस्पिरिन एंड डायफ्लूनिसल। अदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर आइबुप्रोफेन है, कीटोरोलॉक है, नेप्रोक्सेन, वो भी एनाल्जेसिक का काम करते हैं। ऑल्सो द एंटीपायरेटिक ड्रग एसिटामिनोफेन। तो ये है पेरीफेरल एक्टिंग की जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती है एंड पेन सेंसेशंस को रिड्यूस करती है। सेकंड आर द सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स एंड दे आर वीक नार्कोटिक्स। वीक नार्कोटिक्स के अंदर है कोडीन है, हाइड्रोकोडोन है, ऑक्सीकोडोन, पेंटाजोसिन है, देन प्रोपोक्सिफिन तो वगैरह। उसमें एगोनिस्ट है ये वाली ड्रग्स एंड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है पेंटाजोसिन। फिर ट्रामोडोल के है और स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक्स में मॉर्फिन एंड मेपेरिडिन। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स कि जिसको हम कहते हैं पेन किलर्स कि जो रिड्यूस करती है पेन की। जो बेसिक यूज़ है ये मेडिसिन का वो है एज अ पेन किलर। तो एनाल्जेसिक के अंदर सबसे पहले हम देखें कि नॉन ओपियोइड पेन किलर्स के जो इंक्लूड है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल सालों से यूज़ होती आई ड्रग है कि जो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक दोनों का काम करती है कि फीवर भी रिड्यूस करती है एज वेल एज वो पेन भी रिड्यूस करती है और ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल हो जाती है। ओवर द काउंटर फॉर फ्रॉम द फार्मेसीज। फार्मेसीज में से आपको इजीली ये मिल जाती है और ये मेन इंपॉर्टेंट ये है कि नॉन ओपियोइड पेन किलर है ये। सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का, जिसमें है एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन है एंड आइबुप्रोफेन कि जिसको हम ओवर द काउंटर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स के तौर पे ले सकते हैं। फिर है एसिक्लोफेनेक कि एसिक्लोफेनेक के सस्टेन रिलीज टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं एज वेल एज उसके नॉर्मल कन्वेंशनल टैबलेट्स भी अवेलेबल होती है। तो एसिक्लोफेनेक इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग और सालों से एसिक्लोफेनेक भी जो है वो पेन रिलीवर्स के तौर पे यूज़ होता है। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स दैट कोज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग। तो ये उसकी मैकेनिज़्म आपको अच्छे से याद रखनी है कि वो ऐसे केमिकल्स को ब्लॉक करती है कि जो रिलीज़ करते हैं होते हैं ऐसे केमिकल मैसेंजर्स कि जो दैट कोज द पेन एंड इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग। अब ऐसे केमिकल की जो हमारे बॉडी के अंदर पेन इंड्यूस करते हैं, इन्फ्लामेशन इंड्यूस करते हैं, उसको ही समझो कि कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण पेशेंट को पेन में से काफ़ी रिलीफ रहता है। सेम लाइक दैट सेकंड इज इट इज़ अ डाइक्लोफेनेक। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिलीव द पेन, swelling and joint stiffness caused by the arthritis। आर्थराइटिस के अंदर जो joint stiffness हो जाता है उसके अंदर भी हम ये medicines को use करते हैं। और डाइक्लोफेनेक के जो combination होते हैं with paracetamol, एसिक्लोफेनेक के भी बहुत सारे combination है पैरासीटामोल के साथ। डाइक्लो का भी पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन रहता है कि जिसको हम पीसीएम कहते हैं, डाइक्लो प्लस पीसीएम, एसिक्लो प्लस पीसीएम, इवन प्लेन भी ये अवेलेबल होती है कि विदाउट एनी कॉम्बिनेशन भी आपको डाइक्लोफेनेक भी मिल जाएगा एज वेल एज एसिक्लोफेनेक। और वो है पावरफुल भी कह सकते हैं हम, काफ़ी ये एसिक्लो एंड डाइक्लो काफ़ी पावरफुल है और सालों से ये प्रिस्क्राइब की जा रही है फॉर टू रिड्यूस द पेन। सेकंड है कंपाउंड पेन किलर्स की जो स्पेशली एक या दो ड्रग्स उसके अंदर कॉम्बिनेशन में होते हैं। दिस इज व्हेन टू डिफरेंट ड्रग्स आर कंबाइंड इनटू वन। दिस कुड बी पेन किलर विथ एन non-steroidal anti-inflammatory drug or an opioid painkiller with a non-opioid painkiller। कि एक आपके पास opioid है और दूसरा non opioid, ऐसे भी combinations available होते हैं कि लाइक यहाँ पे हम कोकोडामोल का जो एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो जिसके अंदर 15 mg जितना कोडीन है एंड 500 mg जितना पैरासीटामोल है। तो एक जो है ड्रग वो है हमारी कोडीन। तो कोडीन जो है वो ओपियोड है, हमें ऑलरेडी पता है कि कोडीन जो है वो है एज अ ओपियोड पेन किलर। तो एक हो गई ओपियोड पेन किलर की जो है कोडीन और दूसरे साथ उसके साथ कॉम्बिनेशन में नॉन ओपियोड की जो है ये पैरासीटामोल। तो कोकोडामोल कि जिसके अंदर 15 mg रहेगा कोडीन फॉस्फेट एंड 500 mg होगा पैरासीटामोल। और ये जो है वो प्रॉपर जो फिजिशियन है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसकी प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शंस और प्रिस्क्रिप्शंस के साथ ही यूज़ करनी चाहिए। वैसे दूसरा एक कॉम्बिनेशन की डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल की जो टैबलेट एज पर IP एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक यहाँ पे लिखा आप देख सकते हैं लेबल पे। तो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक काम करता है ये डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक और उसके साथ कॉम्बिनेशंस में ओपियोड, नॉन ओपियोड भी हम यूज़ कर सकते हैं और पेशेंट को पेन में से रिलीव कर सकते हैं। तो ये था कंपाउंड पेन किलर्स की जो कॉम्बिनेशन में रहते हैं, एक ओपियोड और दूसरा नॉन ओपियोड। फिर है पेन रिलीवर्स, हेल्प टू रिड्यूस द डिफरेंट टाइप ऑफ पेन दैट इज मसल एचेस, हेडेक, सॉर थ्रोट एंड ईयर एचेस। द कॉमनली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन पेन रिलीवर्स इंक्लूड द एसेटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन। उसके अलावा मैं और लिखूँ यहाँ पे उसके अंदर तो एसिक्लोफेनेक भी मैं लिख सकता हूँ एंड फिफ्थ वन दैट इज अ डाइक्लोफेनेक। बिकॉज हम देखते हैं कि एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक ऐसी मेडिसिन से कि जो इवन आई ड्रॉप्स के अंदर भी यूज होती है, उसके जो वर्जन है कि नेपाफेनेक करके जो आती है, नेपाफेनेक कि जिसके आप देखोगे तो आई ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में और वो समझो कि किसी पेशेंट्स को आइज़ के अंदर पेन हो रहा है तो उसमें नेपाफेनेक करके जो ड्रग है कि जो डाइक्लो और एसिक्लोफेनेक की ही कैटेगरी की ड्रग है वो हम यूज़ करते हैं। तो जितनी भी ये फेनेक वाली जो ड्रग होती है, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, नेपाफेनेक, तो वो सब पेन रिलीवर्स के तौर पर काम करते हैं और उसमें भी नेपाफेनेक जो है वो ज़्यादातर ऑप्थाल्मिक्स के अंदर प्रीफर की जाती है, आई ड्रॉप्स वगैरह के अंदर कि जब पेन होता है आपके आइज़ के अंदर। पेन किलर्स में अलग अलग स्प्रे मार्केट में काफ़ी फेमस है बिकॉज कि जो अलग अलग डोजेस फॉर्म की जो हम टेलर मेड कहते हैं, टेलर मेड इसलिए कि पेशेंट को किस तरह के डोजेस फॉर्म जो है वो पसंद आते हैं, प्लस इसमें एक चीज ध्यान रखी जाती है पेशेंट कंप्लायंस एंड जो कंफर्ट। स्प्रे बनाने का एक ही रीज़न है टू कंफर्ट के समझो कि किसी को टैबलेट नहीं लेनी, ना ही किसी को इंजेक्शन लेना। तो ऐसे भी पेन रिलीवर से पेन किलर स्प्रे की जो हम मार्केट में देखते हैं बहुत सारे अलग अलग ये ब्रांड्स के आपको जो है वो स्प्रे मिल जाएगी, जिसके यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि लाइक ओमनीजोल का स्प्रे होता है कि जिसके अंदर लिनसीड ऑयल है, डाइक्लोफेनेक है, मिथाइल सैलिसाइलेट, मेंथॉल स्प्रे, मेंथॉल वगैरह उसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर मल्टी पेन रिलीफ स्प्रे है, ये फर्स्ट वाला। उसके बाद ये हम सेकंड देखें तो उसके अंदर जो है वो डाइक्लोफेनेक ड्रग है। वॉलिनी के अंदर भी सेम अलग अलग पेन रिलीवर्स ड्रग का कॉम्बिनेशन रहता है। फिर ओमनी जेल का फिर से एग्जाम्पल की जो सिप्ला की प्रोडक्ट है। फिर रैनबैक्सी का वॉलिनी, तो ये वॉलिनी करके जो है, फिर मूव रिलीफ स्प्रे, फिर बायोफ्रीज कोल्ड थेरापी पेन रिलीफ। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे स्प्रेज भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है कि जो एरोजल कंटेनर होते हैं स्पेशली, और काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, इजी टू यूज़। एंड समझो कि आपको टैबलेट नहीं लेनी, कैप्सूल नहीं लेनी या फिर इंजेक्शन भी नहीं लेना, तो ये काफ़ी पॉपुलर है। एज वेल एज उनकी साइड इफ़ेक्ट भी रिड्यूस होते बिकॉज आप ओरल रूट से नहीं लेते, डायरेक्टली टॉपिकली ये अप्लाई करते। बट ये भी लिमिट में ही अप्लाई करनी चाहिए, बिकॉज समझो कि आपको एलर्जी वगैरह है तो इस टाइप के स्प्रे आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उससे स्किन डिसीज़ हो सकती है। तो यही बात है कि लिमिट, सभी चीज़ को लिमिट में यूज़ करें तो ही बेटर है कि जिससे हमें फ़ायदे ही हो, उसके नुकसान कोई ना हो। पेन किलर्स की जो अलग अलग जेल्स भी आपने यूज़ की होगी, वॉलिनी की जेल, पेन रिलीफ जेल, मूव का भी जेल अवेलेबल है, एज वेल एज हर्बल रेमेडीज़ के अंदर भी पेन केयर जेल्स अवेलेबल होती है। वोविनी जेल करके कि जिसके अंदर डाइक्लोफेनेक है, डाइथाइलेमाइन है, लिनसीड ऑयल है, मिथाइल सैलिसाइलेट्स, मेंथॉल वगैरह उसके अंदर इंक्लूड है। आयोडेक्स भी काफ़ी फेमस है कि जिसका जेल एज वेल एज ऑइंटमेंट भी हम यूज़ करते हैं। कॉम्बीफ्लैन, आईसी हॉट की जो सनोफी बनाती है, ये जीएसके का प्रोडक्ट। तो हमारी जो टॉप की जो फार्मा कंपनी से उनके से बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है कि जो पेन किलर्स जेल प्रोवाइड करती है हमें, ऑइंटमेंट प्रोवाइड करती है, एज वेल एज दिस एरोजॉल स्प्रे। तो अब बात आती है साइड इफ़ेक्ट्स की। तो ये है कभी भी हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कि अब आप एक्सेसिव अमाउंट में पेन किलर्स लेते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपके अफेक्ट पड़ती है, जिसके अंदर सैडेशन हो सकता है, आपको आपके ब्रीथिंग भी स्लो हो सकते हैं, डिपेंडेंस आ जाता है आपके ऊपर, टॉलरेंस के अफेक्ट होता है और एडिक्शन भी हो सकता है। और फिर जीआई ट्रैक्ट पर देखें तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, एज वेल एज आपके लीवर के ऊपर भी ये मेडिसिन अफेक्ट कर सकती है। ऑल्सो द लीवर, तो इस टाइप के साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस ना हो, इसलिए प्रॉपर आपको लिमिट में ही उसको यूज करनी है। तो यहाँ पे एक मस्त लिखा है, वो देखिए, पेन किलर पोज एन इमीडिएट थ्रेट टू योर हेल्थ व्हेन यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म, कि जब आप इसकी हैबिट बना लेते हैं तो जिसके कारण आगे जाके आप उसके डिपेंडेंट हो सकते हैं, उसके एडिक्टेड भी हो सकते हैं। लाइक कि सबसे पहले आप 7 days के लिए उसको यूज़ करते हैं तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडिक्शन। कंटिन्यूसली 7 days तक आप उसको यूज़ करोगे तो आप उसके एडिक्टेड बन सकते हैं। फिर रिडक्शन इन ब्रेन मैटर, कि अगर आप 30 days तक आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं एंड 180 days तक आप उसको यूज़ करते रहे हैं तो हायर चांस ऑफ अ डिप्रेशन। और उसमें भी स्पेशली जब आप ओपियोइड के जो नार्कोटिक्स वाले हैं वो एक्सेसिव इस तरह से यूज़ करते हैं तो आगे जाके उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी इंक्रीज होती है, एज वेल एज उसका एडिक्शन लेवल तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यही है कि डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन, डोंट डू द सेल्फ मेडिकेशन, प्रॉपर एडवाइस के साथ ही कितने दिन तक लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, प्रॉपर आपको जो है वो डायग्नोसिस करके ही यूज़ करनी चाहिए। तो ये थे हमारा स्पेशली वीडियो लेक्चर्स ऑन ए पेन किलर्स कि जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप मैसेज करिए हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे कि जो है 9426180836। आपका नाम और एड्रेस लेके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे में सिर्फ सिटी का नाम ही लिखना है। सब्सक्राइब करिए चैनल। ऑल्सो यूज़ द ऐप फार्मारॉक्स, एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। You can also access the study material, test series and the video lecture. So good luck and all the best.